तो आई सजेस्ट कि सब लोग अपना अपना ये मॉड्यूल ले लें, एंड आई एम एट पेज नंबर 25.17, स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स विद ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. सो इट इज पेज नंबर 25.17 एंड इट इज टू. अच्छा, बेसिक आइडिया ये है कि हमें मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करना है. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इट इज द एंड मोमेंट, और यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा थियोरेटिकल होने की कोशिश नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पे जो भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी सीखेंगे, वो सब कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते ही सीखेंगे. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हम लोग थियरी करने वाले हैं फिर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जी नहीं. वी विल अटेम्प्ट न्यूमेरिकल डायरेक्टली. अच्छा, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जिन जिन कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, आई विल टेल यू ऑल ऑफ देम. अगर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैंने एक इक्वेशन लिखा और किसी को ऐसा लगता है कि ये इक्वेशन पता नहीं है या कहाँ से आया है, यू हैव अ क्यूरियोसिटी टू नो कि ये क्या चल रहा है, देन यू कैन सर्टेनली कम टू मी और आप पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज लेवल 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय, देयर आर मेनी ऑप्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स. तो चलिए, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. तो सबसे पहले देखिए कि ड्यूअल नेचर कहने से हमारा मतलब क्या होता है. एक वेव से होता है, एक पार्टिकल से होता है. तो हमारा जो वेव नेचर होता है वो कहाँ कहाँ पे शो होता है? वो शो होता है हमारा इंटरफेरेंस में, वो शो होता है हमारा डिफ्रैक्शन में, और वो शो होता है हमारा पोलराइजेशन में. इज दैट फाइन? ये तीन मेन आते हैं जहां की आपका डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, ये तीन ऐसे मेन फिनोमेना है जो कि लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कमिंग टू द पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर कहां पे शो होता है लाइट का? नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Is that okay? या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम. तो आई होप ये समझने में किसी को कोई परेशानी है. गाइज प्लीज ट्राई टू कम्युनिकेट. ओके, सो अभी हम लोग ऑप्शन के सेगमेंट में चलेंगे. हमारे पास क्या है? अच्छा, ड्यूअल नेचर की बात कर रहा, मतलब एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि हमारे पास दोनों चीजें हों. मतलब कि हमारा वेव नेचर भी रिप्रेजेंट हो रहा हो और लाइट का पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट हो रहा हो. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जरा ढूंढिएगा. तो हाँ जी, प्लीज गाइस पार्टिसिपेट, डोंट कीप क्वाइट, चुपचाप बैठने के लिए नहीं बोला हूं. तो डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी ऑब्वियसली. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्स इन टू द पार्टिकल नेचर, डिफ्रैक्शन कम्स इन टू द वेव नेचर. सो दैट इज दिस थिंग. नेक्स्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर दोज विच आर मूविंग इन अ शेल नियर टू द न्यूक्लियस, दोज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दोज विच आर मूविंग फ्रीली इन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एंड दोज विच आर ड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन. तो हम लोग वर्क फंक्शन का जो डेफिनेशन देते हैं, वो वर्क फंक्शन का डेफिनेशन किसी को याद है? नहीं याद है तो मैं बोलता हूँ. वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एंड विच इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बीच का जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है, या एटम्स के बीच का जो इंटर एटमिक स्पेस होता है, वो फ्रीली होते हैं. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और जब लाइट रे या फोटोन इंसिडेंट होता है किसी भी मेटल के सरफेस पे, तो क्या रिक्वायर्ड रहता है? कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मेटल सरफेस से बाहर निकाला जाए. क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंडेड होते हैं और उनको निकालना सबसे आसान होता है. एम आई राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन योर ओपिनियन? हाँ जी, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, वेरी गुड. तो अच्छा गाइज, प्लीज पार्टिसिपेट इन मोर वर्क. फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सोडियम मेटल ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल काइनेटिक एनर्जी
of equal de Broglie wavelength having velocities which changes from 0 to a fixed maximum value. क्या बोलते हैं? अभी देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसके लिए हमारा जो इक्वेशन होता है, आइंस्टाइन के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या है? फोटोन का एनर्जी एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. तो यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो द काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. ये नहीं बताया जा रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उन सबकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ऐसा नहीं बताया है. क्या बताया गया है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी वो ये हो सकती है. ट्रू. अच्छा, तो मिनिमम कितनी हो सकती है? तो मिनिमम जीरो हो सकती है. जीरो तो काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकता है. काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो कहने का मतलब है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक रेंज में आएगा, उसके कोई फिक्स वैल्यू हो नहीं सकती है. सो कमिंग टू द ऑप्शन, आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए ऑप्शन बताइएगा. ऑप्शन डी. हाँ जी, या ऑप्शन डी. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन. फोटोसेल इज अ डिवाइस टू स्टोर फोटॉन्स, मेजर लाइट इंटेंसिटी, कन्वर्ट फोटोन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रिप्लेसिंग स्टोरेज बैटरीज. क्या बोलते हैं? हाँ जी, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. वेरी गुड. क्योंकि इट इज अ फोटोसेल, नाम से ही पता चलता है फोटोसेल. सेल बैटरी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एन आउट है. आपको इनपुट क्या लेगा? लिखा हुआ फोटो, फोटोन. एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द मोमेंटम इज. एनर्जी दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना है. क्या करना होता है एनर्जी से मोमेंटम निकालने के लिए? पी इक्वल टू ई बाई सी. हाँ या ना? पी इक्वल टू ई बाई सी, याद आ रहा है? हाँ जी. कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? एनर्जी जो होता है MC स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय C कर देंगे. ये C कट गया, M हो गया मास, मतलब रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द फोटोन, और C क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ द फोटोन. मिल करके क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम. तो मोमेंटम इक्वल टू E बाय C. E दिया हुआ है, C आप लोगों को पता है, जस्ट यूनिट वगैरह जो भी कन्वर्ट वगैरह करना है वो आप खुद से कर सकते हैं. सो आई होप दैट इज क्लियर. यस और नो? यस सर. आगे चलिए. टू फोटॉन्स ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल. वर्क फंक्शन दिया हुआ है. देन फ्रॉम द सर्फेस वन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, टू इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. तो टू फोटॉन्स और उसका एनर्जी दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अभी देखिए हमें, हाँ कुछ बोलना चाह रहा है सामने? कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, क्या C. है कि ऑप्शन सी? भाई मेरे को ऑप्शन याद नहीं रहता है. नो इलेक्ट्रॉन, या दैट्स राइट. इसमें क्या होता है कि एक फोटोन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ. क्या है ये कॉन्सेप्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर. क्या बताता है कि भाई एक बार में एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, और उस कोलिजन में मैक्सिमम ये हो सकता है कि फोटोन जितना एनर्जी लेकर के आया था, फोटोन जितना एनर्जी पैकेट है वो सारा का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दे. अच्छा, अगर दो फोटोन आएंगे तो मिल करके नहीं दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते हैं. एक बार में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है. तो भले 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले दो फोटोन आए जिनका टोटल एनर्जी 2.5 इंटू 2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, लेकिन स्टिल वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दो एक साथ में एनर्जी नहीं देगा, एक बार में 2.5 देगा, 4.5 से कम है, नहीं निकलेगा. फिर से आएगा अगली बार 2.5 लेकर के, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, इट इज लेस देन दैट, नहीं काम चलेगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला है. क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? हाँ जी. नेक्स्ट, NR एंड NB रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फोटॉन्स बाय रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब इक पावर इन गिवन टाइम. तो देखिए पावर इक्वल है. चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, कोई बताएगा पावर क्या होता है? पावर क्या होता है?
पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, सही है, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम। बोल रहा है कि रेड बल्ब और ब्लू बल्ब दोनों का पावर सेम है, यानी कि पर सेकेंड जितना एनर्जी निकलेगा वो सेम है। तो कहने का मतलब है फॉर वन सेकेंड अगर मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूं तो एक सेकेंड में एनर्जी एमिटेड बाय ऑल द फोटॉन्स ऑफ द रेड बल्ब एंड एनर्जी ऑफ द ब्लू बल्ब विल बी द सेम। अच्छा, एनर्जी कितना निकलेगा, टोटल एनर्जी कितना निकलेगा, तो लेट अस से NR इज द नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंटू एच सी बाई लैम्डा रेड। एच सी बाई लैम्डा रेड क्या हो गया, एक रेड फोटोन का एनर्जी। एच सी बाई लैम्डा रेड क्या हो गया, एक फोटोन का एनर्जी। और NR क्या है, एक सेकेंड में टोटल कितना रेड फोटोन निकलता है उसकी संख्या, उसका नंबर। मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल जाएगा कि रेड बल्ब से पर सेकेंड कितना एनर्जी निकल रहा है टोटल। आ जाइए ब्लू पे, यही काम करेंगे, नंबर ऑफ ब्लू फोटॉन एमिटेड पर सेकेंड सी बाई लैम्डा ब्लू, इज दैट ओके, एस सी को हटा दीजिए। अच्छा, कोई बताएगा लैम्डा रेड और लैम्डा ब्लू में बड़ा कौन, एन आर बाई लैम्डा आर इज इक्वल टू एन बी बाई लैम्डा बी। आप बताइए लैम्डा आर और लैम्डा में बड़ा कौन है, रेड, लैम्डा आर रेड बड़ा है, बहुत बढ़िया, रेड बड़ा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमिनेटर को भी बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो ये इसके बराबर होगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो क्या होता है, वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, उसे काउंटर कैसे किया जा सकता, न्यूमिनेटर को भी बढ़ा देंगे, न्यूमिनेटर को भी बड़ा कर देंगे। कहने का मतलब है एनआर को बड़ा कर दीजिए, एनआर को बड़ा कर दीजिए। नाउ अगर ऐसा होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो सकते हैं, हाँ या ना, समझ में आया मेरी बात, समझ रहे हैं, हाँ या ना। चलिए, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, फोर एलिमेंट्स ए बी सी डी एज वर्क फंक्शन दैट 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 लाइट ऑफ वेवलेंथ इट मा इंसिडेंट द एलिमेंट विच एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर। तो देखिए 4000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, इसको पहले पता कीजिए कि कितना एनर्जी देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना हो जाएगा, एच सी बाई लैमडा। तो लैमडा कितना, 4000 एंगस्ट्रम, और एच का जो वैल्यू है आप याद रखिएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, ये वैल्यू याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि एच का वैल्यू 6.63 × 10⁻³⁴, सी का वैल्यू 3 × 10⁻⁸ और मल्टीप्लाई करना और फिर लैम्डा से डिवाइड करना, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, इट इज अ वेरी मेसी जॉब। सो इट इज बेटर टू रिमेंबर दिस वैल्यू ऑफ एच सी, व्हाट इट इज, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। अभी क्या होगा, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा, ये 0 0 गया, कितना हो गया 410 और 4 3 12 41 जाए, यानी कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है, देख रहे हैं डायरेक्ट आ रहा है। तो अभी देखिए 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपके फोटोन का एनर्जी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, बस डी जो है उसका वर्क फंक्शन 3.2 है, तो उसका फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, बाद बाकी सारे केसेस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, समझ रहे हैं, हाँ या ना, ए बी सी तीनों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी, ओके, आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ई इक्वल टू पी सी इज वैलिड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन बट नॉट फॉर अ प्रोटॉन, फॉर अ फोटॉन बट नॉट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, नाइदर फॉर एन इलेक्ट्रॉन नॉट नॉर फॉर अ फोटॉन। तो ई इक्वल टू पी सी कब हो सकता है, जब ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो, क्योंकि हमने आपको डेरिवेशन करके भी अभी अभी दिखा ही दिया था कि पी इक्वल टू ई बाई सी जो मैंने लिखा था, वहां पे मैंने क्या किया था, E को mc square लिखा था, फिर इसको डिवाइड किया था
और बताया था, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसके लिए हो सकता है? हाँ जी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसके लिए वैलिड है? हाँ जी, फोटोन के लिए, परफेक्टली फोटोन के लिए। तो ये बाद बाकी का काइनेटिक एनर्जी होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर सिर्फ फोटोन का होता है, बाद बाकी का एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी मासिव पार्टिकल है जिनका रेस्ट मास नॉन जीरो है, उसके लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। उसके लिए कुछ और चलता है, क्या चलता है, रूट ओवर टू के एम, रूट ओवर टू के एम, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी एंड एम इज द रेस्ट मास। लीनियर मोमेंटम का जो इक्वेशन आता है क्या आता है, पी इक्वल टू रूट ओवर टू के एम, याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, नाइन्थ का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। अगला है फोटोन का वेवलेंथ दिया है, एनर्जी निकालना है, अभी अभी निकाला था, है ना। तो टेंथ ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस ये है कि जूल में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे बदलते हैं, 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करके। ये बात सबको पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता है जान लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई का जो वैल्यू होता है बस वो डाल दीजिए और ये बदल गया आपका एसआई यानी कि जूल में। अच्छा ये बात सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट है, अगर कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता उसके लिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अ सरफेस इजेक्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय ब्लू लाइट बट नन विद ग्रीन लाइट, देन फोटो एमिशन इज पॉसिबल बाय लाइट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर। देखिए ब्लू कलर से फोटोन निकलता है, तो अभी तो क्या चाहिए आपको, ब्लू से छोटा वेवलेंथ चाहिए, ब्लू से छोटा वेवलेंथ चाहिए। रेड कीजिएगा तो बड़ा वेवलेंथ हो गया, छोटा एनर्जी पैकेट, जितना बड़ा वेवलेंथ उतना छोटा एनर्जी पैकेट, जितना छोटा वेवलेंथ उतना एनर्जी पैकेट होगा, है ना। तो इट इज वायलेट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ फोटोन ऑफ दैट मच इंसिडेंट, द एनर्जी ऑफ द फोटोन व्हेन दिस इज, ठीक है भाई। तो ये तो आपका वही इक्वेशन से आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 3000 एंगस्ट्रॉम कितने एनर्जी का पैकेट है, 3000 एंगस्ट्रॉम से कितना एनर्जी होगा, Hc यानी कि 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3000। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन में हेल्प करो यार, कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 1.33 चलता रहेगा, यानी कि 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस प्लीज चेक। अच्छा अभी बोल रहा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये निकलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन है। सही है, काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है। यहां से वर्क फंक्शन आए क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया आपने पास, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी बाय लैम्डा एनर्जी हमने निकाला है फोटोन का 1200 × 3000 करके, 4.13 आपने चेक करके बताया नहीं, सही है कि नहीं है। देयरफॉर फाइव इक्वल टू कितना हो गया, 4.13 माइनस 0.5 कितना होता है, ये कितना हो रहा है, ये कुछ ना करो यार लोग, बस चुपचाप बैठ करके देखते रहो, 3.63 पक्का, चलिए 3.6 आई आ गया। चलिए आगे है कि 2000 एंगस्ट्रम यूज करना है, तो जब 2000 एंगस्ट्रम यूज करेंगे लाइट तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, अगेन एच सी 1200 × 2000, ये जीरो जीरो गया, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ना। ये भी चेक कर लीजिए, इस बार काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा इस बार कितना है, 6.2 है, वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा, 3.63 ही रहेगा। जरा बताइए ये कितना वैल्यू आ रहा है, 6.2 माइनस 3.63
ये कितना आ रहा है जरा जल्दी से बताइए। तो अपने पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको क्या लग रहा है सही? हाँ जी, हमने तो पूरा कैलकुलेशन कर दिया, उतना करने का जरूरत भी नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए गाइस, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन डायरेक्ट ये नंबर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ऑप्शन सी। सी? सी में क्या है? लेस देन भाई, आपको लेस देन 0.5 नजर आ रहा है। 2.57 लेस देन 5। नहीं नहीं, मतलब सॉरी गलती होगा, हायर वाला होगा, मतलब ऑप्शन बी। क्या हो गया है, सो रहे हैं क्या क्लास में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, व्हिच मेटल विल बी सूटेबल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक सेल यूजिंग वेवलेंथ ऑफ दैट मच एंगस्ट्रम, वर्कशन ऑफ सोडियम एंड कॉपर रेस्पेक्टिवली आर 2 एंड 4। तो 4000 एंगस्ट्रम से कितना आया था, याद है किसी को? बहुत बार आ गए हैं। 4000 एंगस्ट्रम से कितना एनर्जी वाला फोटोन है ये? 3.1 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, थैंक यू। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बोल रहा है कि वर्क फंक्शन है एक का कितना, 2, एक का 4, तो 4 से तो निकलेगा नहीं। 3.1 इज लेसर देन 4, तो जो 4 वाला है वो अपने किसी काम का नहीं है। 4 किसका है, वर्क फंक्शन 4 किसका है? कॉपर का। तो कॉपर अपने लिए सूटेबल नहीं है, कॉपर अपने लिए सूटेबल नहीं है। कौन सूटेबल है? सोडियम। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, 13 का आंसर क्या होना चाहिए? सोडियम। हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मच फॉल्स ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज दैट मच, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑन। अगेन फ्रीक्वेंसी दिया, एनर्जी कैसे आएगा? एचएफ से आएगा, एचएफ से आएगा। एफ दिया है 3×10^15, एफ दिया है 3×10^15। इज दैट ओके? तो अभी देखिए यहाँ पे आपके पास दो रास्ता है, या तो ये वाला कैलकुलेशन कीजिए। देखिए करना वही है, आपको भी पता है एनर्जी चाहिए अपने को, तो एनर्जी के लिए हम लोग या तो एचएफ करें, लेकिन इसमें झोल क्या मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप एचएफ करने बैठेंगे तो आप लिखेंगे 6.63 × 10^-34 × 3×10^15। ये किस में आएगा? ये एसआई में आएगा, क्योंकि एच ये एसआई का यूनिट है, एफ ये एसआई में है। तो आप कीजिएगा, जूल को बदलिएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे? 1.6 × 10^-19 से डिवाइड करके, है कि नहीं? समझ रहे हैं क्या क्या कर जाएगा? हाँ, दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर एफ दिया है तो हम लोग लैम्डा भी तो निकाल सकते हैं। क्या कैसे निकालेंगे? सी बाई सी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, सी बाई एफ करके, है कि नहीं? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, अभी यहाँ पे नंबर भी देखिए कितना शानदार बैठ रहा है। सी कितना, 3×10^8, एफ इज 3×10^15, 3 से 3 गया, 10^-7, इज दैट ओके? यस सर। तो इसको 1000 अगर कर दें तो ये 10^-10 लिख सकते हैं। हाँ जी, 10^3 से, और यहाँ पे 10^-3 दे दिया, यहाँ पे 10^3 दे दिया, यहाँ पे 10^-3 दे दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1000 एंगस्ट्रम, हाँ या ना? यस सर। इज दैट ओके? अभी क्या है, अभी बिल्कुल सही है। E इक्वल टू एच सी विच इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 1000, ये 00 गया विच इज 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। If you are comfortable in solving this equation, you can go for that. If you are comfortable in this, you can go for that. अच्छा, खैर हमें इससे मतलब नहीं था। हमें आ गया है कि कहाँ पे गया? हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद बताया गया है कि आपका वर्क फंक्शन है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। तो क्या क्या करेंगे? के मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? एच सी बाय लैम्डा विच इज 12.4 माइनस वर्क फंक्शन विच इज 4,
मतलब कितना हो जाएगा ये, ये कितना हो जाएगा 8.4 है ना, 8.4। अच्छा अभी क्या है हमें करने के लिए, वेलोसिटी पूछा है, के मैक्स नहीं पूछा है, क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा किससे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से इज इक्वल टू 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा, इज दैट ओके। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे वी मैक्स के बारे में, 2 × 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मास, मास ऑफ फोटोन 9.1 × 10⁻³⁻³। वेलोसिटी भी आपको एसआई में ही चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻¹⁹ कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट कीजिए, बाद बाकी आपके घर का काम है, करते रहिएगा, इज दैट ओके। यस सर। हाँ जी ओके, लेट ये सवाल इसमें आता, नीट में आता, ठीक है, और मेरे को कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, तो क्या क्या कर सकते हैं, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शंस को देख के? हाँ हाँ, ऑप्शंस को देख करके अंदाजा लगाएंगे, नंबर्स भूल जाइए। 31 ऊपर गया, 31 ऊपर गया, कितना आ गया 10 के पावर, जरा बताइएगा 31 माइनस 19 कितना होता है, हाँ जी जल्दी तो बताइए कम से कम। 12 बड़ा स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे कितना हो जाएगा 6। पावर चेक कीजिए, x के 6 के आसपास कोई दूसरा भी आ, 6 10 के पावर 6 इस पावर का, कोई और भी ऑप्शन है क्या? नो सर, नो सर, नहीं है, हो गया काम खत्म, मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर दिया हुआ है, चेक करिए कैलकुलेटर, हमें कैलकुलेशन अगर होता मतलब जो बस 6 ही अगर वहां पर होता। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने तो आपको तरीका बता दिया ना, होगा ऐसे। अभी क्या है, ज्यादातर वो लोग भी यही चाहते हैं कि कैलकुलेशन ना करे बच्चा, खास करके नीट की बात बता रहा हूँ, नीट कभी नहीं चाहता है, ऐसे दिखाएगा कि आपको कैलकुलेशन करना है, बट दे विल ऑलवेज लीव अ स्कोप, मैं हमेशा की बात तो नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ दे विल मोस्टली लीव अ स्कोप कि आप बिना कैलकुलेशन किए हुए मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन को बराबर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कैसे रास्ता निकलता है, वो बनाना पड़े, ऐसे आपको मतलब नजर नहीं आएगा, बट होगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं जुगाड़। चलिए आगे चलेंगे, हाँ वर्थन ऑफ अ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन मेकिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रम इंसिडेंट ऑन द मेटल, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल इन मीटर पर सेकेंड विल बी, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, छोड़ रहा हूँ, इज दैट ओके, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, टू डिफरेंट फोटॉन्स ऑफ एनर्जी दैट मच फॉल ऑन टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैविंग वर्क फंक्शन दैट मच द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, निकाला जा सकता है, हाँ जी कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, एक का हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है 0.5 वर्क फंक्शन है, तो क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, पहले के केस में K1 कितना हो जाएगा 1 − 0.5, दैट इज सिंपली 0.5, इज दैट ओके, दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दूसरा का कितना है आपका वेवलेंथ 2.5 − 0.5, हो गया ऑप्शन बी, खत्म कीजिए कहानी, आगे बढ़िए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई when the incident wavelength is lambda by 2, the kinetic energy becomes 2E when the incident wavelength is lambda by 3, the work function of metal is, okay, typical question है, बस यही है, किया तो हमने है, कई बार किया है, यही question उसी pattern का है, तुम्हें थोड़ा सा numbers के जगह पे symbols में बात करना है, ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है कि पहले है काइनेटिक एनर्जी ई, तो कब है ई,
जब आपका लैम्डा कितना है, लैम्डा बाई टू है माइनस वर्क फंक्शन फाइव। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा टू ई जब आपका लैम्डा लैम्डा बाई थ्री है, ओके तो नहीं रहेगा। अभी आपसे पूछ वर्क फंक्शन बता दो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, एनी सजेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, टू एच सी वाई माइनस फाइव। हाँ जी, और इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए अपना काम बन जाएगा इसी से, थ्री एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। हाँ जी, अग्री, ओके। अपने को फाइव एलिमिनेट नहीं करना है, एलिमिनेट करना होता तो एक मिनट का काम था। हम लोग क्या करेंगे, यहां से एच सी वाई लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले को आ रहे हैं फाइव बाई टू इज इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा। हाँ जी, अग्री करते हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। इस फाइव को इधर लेके आइए, ई प्लस फाइव हो जाए, इस टू को नीचे लेके तो ई प्लस फाइव बाई टू आया ना। अब इस इक्वेशन में आ जाइए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इज इक्वल टू थ्री इंटू एच सी वाई लैम्डा के जगह क्या लिखना पड़ेगा, ई प्लस फाइव बाई टू, ई प्लस फाइव बाई टू माइनस फाइव। इधर ओके गाइस, सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, क्या हो गया, टू ई इज इक्वल टू थ्री ई बाई टू प्लस थ्री फाइव बाई टू माइनस फाइव। इज दैट ओके, थ्री फाइव बाई टू माइनस फाइव कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू फाइव माइनस फाइव, थ्री बाई टू माइनस वन कितना, वन बाई टू आया ना। इसको इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा, टू ई माइनस वन पॉइंट फाइव ई, कितना पॉइंट फाइव ई, वन बाई टू ई, और इधर क्या हो गया, फाइव बाई टू। इज दैट ओके, समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी, इज दैट ओके, बोलिएगा आप, सर हमें तो ऑप्शन में ई के टर्म्स में नहीं निकालना है, हमें तो एच सी वाई लैम्डा के टर्म में निकालना है। तो कोई बात नहीं है, ई को फाइव से बदल दीजिए, तो फाइव प्लस फाइव बाई टू, टू फाइव बाई टू विच इज एच सी वाई लैम्डा इटसेल्फ। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा 17 का, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहां से भैया अपना ई हो गया फाइव, ई का वैल्यू उठाओ यहाँ पे डाल दो, फाइव प्लस फाइव टू फाइव, टू फाइव बाई टू फाइव, तो फाइव इज एच सी बाई लैम्डा। समझ में आया, आया ना, क्लियर है, क्लियर है भाई जी सर। चलिए आगे चलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन दिया हुआ है। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या होता है, वो वेवलेंथ, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके द्वारा कि इलेक्ट्रॉन का जस्ट एमिशन पॉसिबल हो सके, यानी कि अगर वो वेवलेंथ का फोटोन डालेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर लैम्डा नॉट को हम लोग बोलते हैं अपना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो एच सी वाई लैम्डा नॉट भाई क्या हो जाएगा, अपना वर्क फंक्शन फाइव हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ इंसिडेंट करवा रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, क्या करना पड़ेगा भाई। तो वही बात है, के मैक्स हो जाएगा हमारा एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। तो फाइव के बारे में मैंने क्या बताया कि फाइव कैन बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आया क्या, इसी तरीके से फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच एफ नॉट, एफ नॉट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है मेरी बात, आया ना, तो बस कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। के ले लीजिए इज इक्वल टू एच सी को कॉमन ले लीजिए, वन या फिर नहीं ही लीजिए, क्या है कि वन टू फोर डबल जीरो करने में
दिक्कत होगा। तो चलिए एच सी बाई लैमडा माइनस फाइव के जगह एच सी बाई लैमडा नॉट 12400 डिवाइडेड बाई कितना था 1800 था ना एक, और दूसरा था 12400 23। थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लीजिए मैथ वैथ लगा करके, खत्म कहानी है ना। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन द फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है मेरे भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल होता है जो अप्लाई करने के बाद आपका नॉट इवन अ सिंगल फोटोन विल रीच अप टू द कलेक्टर, राइट? यानी कि जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला फोटोन है आप उसको भी कलेक्टर तक पहुंचने से रोक लें, इतना पोटेंशियल डिफरेंस बना करके रखना है। क्लियर है? तो इक्वेशन क्या आता है? इक्वेशन सिंपल यही आता है, K के जगह हम लोग ई वी नॉट रख देते हैं, जहां पे ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी नॉट क्या है भाई अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। सही है? अभी इसी इक्वेशन को हम लोग एच सी बाई लैम्डा को एच एफ भी लिख सकते हैं, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? अच्छा अभी आपको बोल रहा है कि आप जो है वो अपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर लो, इजंट दैट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड, तो वही हमारा वी नॉट क्या हो गया एच एफ बाई ई माइनस फाइव बाई ई। तो चलिए एफ को डबल कर देते हैं, तो वी नॉट प्राइम क्या हो जाएगा एच इंटू टू एफ बाई ई माइनस फाइव बाई ई। तो क्या ये डबल है, वी नॉट का डबल है, क्या है, क्या बोलना चाहेंगे? वी नॉट का डबल कितना हो जाएगा, टू वी नॉट कितना हो जाएगा, टू एच एफ बाई ई माइनस टू फाइव बाई ई। कंपेयर कीजिए तो इन दोनों में कौन बड़ा है, कंपेयर कर सकते हैं। पहला टर्म तो सेम है, टू एच एफ बाई ई, पहला टर्म तो दोनों का सेम है, एक में बस फाइव बाई ई सब्ट्रैक्ट। हाँ वी नॉट टेस्ट बड़ा है, V नॉट प्राइम बड़ा है, यानी कि डबल से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी क्लियर है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। जी सर। वेरी गुड। ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? इंटेंसिटी पे, करेक्ट? क्योंकि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्या बोले, हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस बात पे निर्भर करता है, किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन पे। बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करते टाइम पे हमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है, हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर तक ना पहुंच पाए। क्लियर है? तो बेसिक सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस चीज से नहीं बदलेगा, राइट? ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी से नहीं बदलेगा। आप पूछिएगा क्यों नहीं बदलेगा सर इंटेंसिटी से, तो इंटेंसिटी का सीधा मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से अगर आप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको सेम रखते हैं और इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा, जो फोटॉन्स आएंगे जो फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे उनके पास अपना जो पैक होगा उसमें जितना एनर्जी होगा वो तो फिक्स रहेगा, वो तो कम ज्यादा होने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेड कलर का लाइट लेके आ रहे हैं, रेड कलर का लाइट दे रहे हैं, ठीक है, तो रेड कलर के पैकेट में लेट अस से कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है,
सही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, इससे क्या परिणाम बदलेगा? इससे ये रिजल्ट बदलेगा कि जहां पे पहले 10 फोटॉन्स आ रहे थे वहां पे अब 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, लेकिन जो पैकेट में एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा वो तो नहीं बदलने वाला। तो अभी क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो काम करता है, एक तो वर्क फंक्शन देकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाता है, और दूसरा जो बच जाता है उससे उसको वो काइनेटिक एनर्जी दे देता है। तो जब उस पैकेट का एनर्जी ही नहीं बदलेगा तो फिर जो एमिटेड फोटॉन है उनका काइनेटिक एनर्जी क्या बदलेगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा बिल्कुल साफ है कि इंटेंसिटी इज द थिंग विच कैन नॉट अल्टर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है मेरी बात? है ना? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे अपना सही ऑप्शन? इंटेंसिटी। अच्छा, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, द नेचर ऑफ स्टॉपिंग इलेक्ट्रोड। तो हाँ भाई ठीक है, इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, उससे ज्यादा कोई काम नहीं होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, डिस्ट बिटवीन फोटो कैथोड एंड, हाँ ऑप्शन बी, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जो बैटरी लगा के देंगे वो बैटरी डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल क्या है। क्लियर ना? तो इसमें से कोई भी ऐसा चीज नहीं है, इंटेंसिटी इज द मेन थिंग, बाद बाकी आपका वो जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम इज दैट मच, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इंसिडेंट विच फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी जीरो। तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा फोटोन होना चाहिए जिसका एनर्जी खुद 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। यानी कि ये बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कौन से फोटोन का एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, क्योंकि लेट अस से 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका वर्क फंक्शन है, आप एक ऐसा फोटोन लेके आया जिसके पास 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही एनर्जी है, तो वो क्या करेगा? बस वर्क फंक्शन दे सकता है। वर्क फंक्शन दे देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अच्छा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो इसके लिए इस केस में हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। आया ना समझ में? आ रही है मेरी बात? तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करने का? 1.1240/4.2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते। आप लोग तो चैंपियन इस चैप्टर में, फिर क्या रिवीजन कर रहे हैं? चलिए इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस वर्क टू स्टॉप एमिशन ऑफ द फोटॉन रिटार्डिंग पोटेंशियल बी कितना। तो वही इक्वेशन है आपका, ईवी नॉट वाला लगाइए। तो ईवी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो वी नॉट कितना हो गया, V नॉट हो गया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट डिवाइडेड बाय कितना कितना है अपना लाइट का वेवलेंथ 3320 एंगस्ट्रम। अच्छा ये E में है, तो डोंट फॉरगेट दैट E माइनस हाई E, हाई कितना है 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ई वाला ई यहाँ पे भी आया है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम गया ई से ई गया, यहाँ पे भी ई से ई गया, तो भी भाई थोड़ा सा मेहनत है। फाइव से जाएगा क्या? नहीं, फाइव से तो नहीं जाएगा। कोई थोड़ा सॉल्व वॉल्व करेगा भाई? ये 1240/332 सिर्फ वोल्ट बचेगा, माइनस 1.07 सिर्फ वोल्ट बचेगा, तो सॉल्व करना है। कोई करके देगा क्या? तो भाई कैलकुलेटर है मेरे पास, हम कैलकुलेटर कर लेंगे। 1240/332 3.73 आ रहा है, 3.73 - 1.07 ये कितना आ गया? अच्छा ऑप्शन है 6-7 है, हो गया। ओके गाइज, सही है।
हाँ जी, मेनली क्या देखने वाला था, वी नॉट वोल्ट में होना चाहिए था, ये देखना है। एंड डोंट फॉरगेट दिस ई। आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी है भाई लोग, किसी को? नो सर। नेक्स्ट, यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट मच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑब्टेन दैट मच, द लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट मच इज यूज स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी, सेम क्वेश्चन शुड वी डिस्कस दिस, क्वेश्चन नंबर 23। 6000 वोल्ट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, 6000 एंगस्ट्रम पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, 4000 एंगस्ट्रम पे पूछ रहा है, कई बार हो चुका है, करना है क्या? नो सर। नो सर। When light source is placed 1 meter distance from the photoelectric cell, the value of stopping potential is obtained 4 volts. If it placed 4 meter distance, then the value of stopping potential becomes. Okay, good question. अगर light source का distance बदलेंगे तो क्या change होगा? Anyone? अगर light source का distance बदलेंगे तो क्या change होगा? क्या light जो निकल रहा है उसका wavelength change हो जाएगा क्या? नहीं सर। मतलब एक रेड कलर का बल्ब 1 मीटर पे जल रहा है और एक रेड कलर का बल्ब 4 मीटर पे जल रहा है, तो क्या होगा, रेड कलर ग्रीन कलर बन जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता ना। ओके, तो क्या बदलेगा? आंसर इज इंटेंसिटी बदलेगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। पॉइंट सोर्स के लिए अगर बात किया जाए, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, ये बात तो अभी अभी हमने देखा, राइट। इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट ना? तो क्या होना चाहिए आंसर? 4 वोल्ट ही होगा। हाँ, 4 वोल्ट ही होगा। एग्जैक्टली। इन द गिवन डायग्राम इफ वी रिप्रेजेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द इंसिडेंट लाइट, incident light is lambda, V2 is greater than V, lambda 1, lambda 2. अच्छा, equation लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है। चलिए जरा देखिएगा, V naught is equal to HC by E into 1 by lambda minus phi by E. जरा बताइए, थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम चाहिए अपने, ये ब्लूटूथ जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया मेरा ईयरफोन, मैं चेंज कर ला, एक सेकंड दीजिए। हाँ, चलो अच्छा। वाह, 5 लोग हुए हैं। मेरे को थ्योरी डिस्कस करना चाहिए था। नहीं, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? आज सर थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर सकते थे। हाँ, क्या बोलते हैं?
नहीं सर, इसमें ये ठीक है सर। एग्जैक्टली कोई फायदा नहीं है थ्योरी डिस्कस करने का, और खास करके मॉडर्न में। चलिए हाँ, तो अपना सवाल ये था कि अगर लैम्डा कम हो जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। इक्वेशन आपके सामने है सर, घटेगा। इक्वेशन आपके सामने, अगर लैम्डा घटेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घट जाएगा। घटेगा। अगर लैम्डा घटेगा तो ये वाला चीज बड़ा हो जाएगा। आया ना, आया ना, बाद बाकी सब फिक्स्ड है। अभी फिर से बताइए, अगर मेरा लैम्डा कम होगा, इफ माई लैम्डा रिड्यूसेस दिस थिंग विल इंक्रीज, यस और नो? हाँ जी जी सर, क्या बोल। एंड बाद बाकी तो सब कुछ सेम ही है, अगर ये बढ़ जाएगा तो वी नॉट बढ़ जाएगा। तो वी नॉट वन बढ़ा है या वी नॉट टू बढ़ा है, क्या बोलते हैं, कौन बढ़ा है? वी नॉट बढ़ा है या वी नॉट टू बढ़ा है? सर वी नॉट वन। वी नॉट नहीं भैया, वी नॉट टू बढ़ा है। सॉरी सर, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात मत कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव की बात मत कीजिएगा। अच्छा, अगर वी नॉट टू बढ़ा है मतलब लैम्डा टू छोटा है, लैम्डा वन बड़ा है, तभी तो ऐसा हुआ है। क्लियर है, क्लियर है भाई मेरी बात? हाँ जी, समझ में आ रही है जी सर। तो सही सही ऑप्शन क्या होना चाहिए 25 का आपका? बी। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज वी फॉर डिफरेंट लाइट फ्रीक्वेंसी ऑन व्हिच इज द करेक्ट? ऑप्शन सी। हाँ, फिर से वही सवाल है। हाँ बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इन द फॉलोइंग फिगर द कर्व्स हैव बीन ड्रॉन बिटवीन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द कैथोड। यहाँ पे ये जो आप ये जो ग्राफ होता है ना, चलिए यहाँ पे भी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ इट। अरे ठीक है भाई, बाद बाकी भी पब्लिक है, रुकिए शांत गदाधारी भीम। ठीक है, ओके। तो दिस करंट, लेट अस से दिस इज आई वर्सेस वी, तो ये जो आ रहा है ना अपना, दिस करंट इज नोन एज, नोन एज सैचुरेशन करंट। अच्छा, क्लास में कोई बैठा है जो कि सैचुरेशन करंट के बारे में कुछ बता सके? हाँ जी, एनीवन कैन एक्सप्लेन सैचुरेशन करंट? एनीवन? कौन कौन है इसमें? बड़ा दिक्कत हो जाता है। सना है, तेरेशा, तेरेशा आप बताएंगे सैचुरेशन करंट क्या है? हेलो सना, आप बताएंगी सैचुरेशन करंट क्या है? नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन मैंने पूछा भी नहीं है, आई डोंट वॉन्ट दैट। मेरे को उसके बारे में कुछ जानना है, कुछ भी, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। जब पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तब जब जो मैक्सिमम वैल्यू आता है करंट का, वो वाला सैचुरेशन करंट है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो लेट अस आस्क वन क्वेश्चन हियर कि भाई पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, कुछ दूर तक तो करंट बढ़ता है, लेकिन इसके बाद बढ़ना बंद क्यों रहता है? व्हाई नॉट इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग? बिकॉज़ वो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा ना। ना 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 ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर आएगा, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। मैं ओरिजिन से स्टार्ट किया, मैंने वोल्टेज बढ़ाया, मेरा करंट बढ़ता गया, वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ता गया, लेकिन एक टाइम के बाद मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है, हो गया क्यों, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन का मतलब लिमिटेशन है ना उसका एनर्जी का, तो जब रीच कर जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके वेट, लेट अस सी दिस थिंग, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आता है। लेट अस से हमारा वैक्यूम ट्यूब है, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है,
मैं पॉजिटिव वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि हमारा जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि फोटोन्स वोटोन्स आए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला। अभी क्या है कि कलेक्टर तक क्या होगा कि ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये निगेटिव एंड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन सिंस दे आर नेगेटिवली चार्ज सो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर, इज दैट फाइन? दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर। नाउ अभी क्या है, लेट अस से कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हम लोग जानते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो से एक मैक्स वैल्यू तक होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कम पोटेंशियल देंगे तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहुंच पाएंगे यहां तक, करेक्ट, कलेक्टर तक, ठीक है? क्योंकि जिसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी सिर्फ वही पहुंच पाएंगे यहां तक। अच्छा, अब से थोड़ा बढ़ाएंगे तो ज्यादा हेल्प मिल जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू रीच टिल कलेक्टर, करेंट बढ़ जाएगा। और बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे। Am I understood? एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहां पे कि ऐसा हो जाएगा कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो सारे के सारे, इवन जिनका काइनेटिक एनर्जी जीरो था, वो भी इस अट्रैक्शन वजह से हमारे कलेक्टर के तरफ से जो अट्रैक्शन आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उस अट्रैक्शन की वजह से कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो गया फिर उसके बाद हमने वोल्टेज बढ़ाया, ठीक। अब उस वोल्टेज का क्या फायदा, क्योंकि जितना निकल रहा था फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो सारा का सारा तो कलेक्टर तक जा ही रहा था। अब आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, जो कि आपके कलेक्टर तक जाएगा। पहले से जितना निकल रहा था वो सारा का सारा कलेक्टर तक ऐसे ही जा रहा है। अब आप उस वोल्टेज को बढ़ा के क्या कर लीजिएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। अंडरस्टूड ना? अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन्स कॉलिजन करवा करके। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फोटोन कॉलिजन होगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इज दैट राइट? अच्छा, हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स डाल करके। ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का सीधा मतलब होता है कि ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट टाइम, क्लियर ना? तो अगर हम लोग ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जाएंगे। ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट करेंगे और फिर वो सारे के सारे हमारे फोटो करंट में पार्टिसिपेट करेंगे, कलेक्टर तक पहुंचेंगे और इस तरीके से हमारा जो सैचुरेशन करंट होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, करंट वो भी सैचुरेट होगा, हर एक के लिए हमारा जो करंट होगा वो सैचुरेट होगा। कहने का मतलब है कि लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ, लेट अस से दिस इज फॉर इंटेंसिटी I1 एंड दिस इज फॉर इंटेंसिटी I2। हम लोग क्या कहेंगे, I2 is more than I1. Why? Saturation current is more. Clear है मेरी बात? आया ना? Explanation समझ में आया भाई लोग? चलिए 27 क्या होना चाहिए, the stopping potential is represented by, अच्छा यहाँ पे तो ये सब कुछ पूछा ही नहीं है, खैर stopping potential वो ये है, इसमें क्या कहना है, clear ना? 27 हाँ जी, is that okay? आया ना, कुछ तो बोलिए। यही तो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे, when monochromatic light of wavelength lambda illuminates the metal surface with a stop potential photoelectric okay हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इस टाइप का सिमिलर टाइप है, बस थोड़ा सा इधर वेरिएबल्स का चेंज है। तो भाई हमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो इक्वेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल का वो क्या है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा
minus work function, which can be written as hc by lambda naught. Do you guys okay with this? hc by lambda naught mera kya hai? Threshold wavelength hai. Lambda naught kya hai mera? Threshold wavelength hai. तो v नॉट भाई मेरा क्या हो जाएगा, एच सी कॉमन ले लीजिए, e से डिवाइड कर दीजिए, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट. इज दैट ओके? अच्छा अब आइए हमारे सवाल पे. बोल रहा है कि प्ले था 3 v नॉट जब हम लोग लैम्डा लाइट से इल्यूमिनेट करवा रहे थे. इक्वेशन लिखिएगा जरा. तो पहला हो जाएगा कि v नॉट की जगह 3 v नॉट रखिए, ये हो गया एच सी बाई ई इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस वन लैम्डा नॉट. बाद में वो बोल रहा है कि वी नॉट हो गया जब हम लोगों ने लैम्डा के जगह टू लैम्डा यूज किया. अच्छा ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है इसलिए वो चेंज नहीं होगा. तो ये हमारा दो इक्वेशन हो गया, लैम्डा नॉट निकाल के दे दो. यही बोल रहा है ना, लैम्डा नॉट निकाल के दे दो. क्या करेंगे, V नॉट का वैल्यू यहां से उठा करके पूरा का पूरा इधर डाल दीजिए. ठीक है, V नॉट का जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा उठा करके डाल दीजिए इधर. अच्छा हमें किस में चाहिए ये भी थोड़ा देख लीजिए. हाँ हमें लैम्डा के टर्म में चाहिए. वेरी गुड, V नॉट को एलिमिनेट करना है. बेसिकली V नॉट को उठाइए यहाँ पे डाल दीजिए, तो 3 इंटू एच सी बाई ई इंटू 1 बाई 2 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट. इज दैट ओके? दैट इज इक्वल टू एच सी बाई ई इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट. क्या कहेंगे यहाँ पे, बोलेंगे कि भाई हमारा एच सी वाई को तो पहले कैंसिल कर दो, लैम्डा नॉट निकालना है. तो इधर क्या हो गया, 3 बाय 2 लैम्डा इधर से ले आइए माइनस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू ये 3 बाय लैम्डा नॉट को इधर भेज दीजिए, माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट ऑलरेडी है. इज दैट ओके? क्या हो जाएगा ये 2 लैम्डा हो गया एलसीएम. अच्छा तो क्या 3 माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 3 माइनस 1 विच इज 2 बाय लैम्डा नॉट. तो 1 बाय 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 बाय लैम्डा नॉट. तो हमारा लैम्डा नॉट भाई कितना हो गया, 4 लैम्डा आई होप. अच्छा लेकिन हमसे क्या पूछा, ये भी तो पूछा गया, खत्म ना सवाल. 28 व्हाट शुड बी द आंसर? हाँ जी गाइस समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? Yes, तो क्या किया, कुछ नहीं, बस वी नॉट का वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में डाल दिया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, आंसर आ गया. क्लियर ना? ओके आगे चले. Yes, sir. अभी हमारे पास क्या है नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीज फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2. हाँ जी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए होगा. अच्छा सॉल्व कर लिए क्या, मतलब अभी हुआ था. चलिए फिर 30 पे चलते हैं. अच्छा चलिए, the retarding potential having the photoelectric current, मतलब stopping potential के बारे में पूछ रहा है, is proportional of incident, increases uniformly with incident wavelength of incident light, increases uniformly with increase in frequency of the incident light, is proportional to the frequency of the incident light. क्या बोलते हैं? ठीक है, lambda के साथ तो inversely proportional का चलेगा, मतलब नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज करेगा. अगर लैम्डा बढ़ेगा तो वी नॉट डिक्रीजेगा. ये तो समझ में आ रहा है? हाँ जी ये तो हमें समझ में आ रहा है ना, लैम्डा अगर बढ़ेगा तो वी नॉट डिक्रीज करेगा. तो लैम्डा के साथ तीन ऑप्शन इंक्रीज का ही है, इंक्रीजेज अच्छा प्रोपोर्शनल टू है, दूसरा इंक्रीजेज है और तो ये जो दो ऑप्शन है वेवलेंथ और इंक्रीजेज या प्रोपोर्शनल का वो तो नहीं होने वाला है. मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी ओके. फ्रीक्वेंसी के साथ, हाँ फ्रीक्वेंसी के साथ बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं? जस्ट ए मोमेंट भाई, हमारा जो ये क्वेश्चन हो रखा है ईवी नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी,
दैट इज एच एफ माइनस वर्क फंक्शन को हम लोग एच एफ नॉट लिख सकते हैं. सो वी नॉट कैन बी रिटन एज एच ओवर ई इंटू एफ माइनस एफ नॉट. अच्छा यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, वी नॉट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ और इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद एफ, क्या बोलना चाहिए? डायरेक्टली इक्वेशन आपके सामने है, देखिए बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कितने लोग अग्री करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर मैं ये बोलता कि वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ देन वी नॉट शुड हैव बीन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी इनटू एफ. यहाँ पे क्या है, एच बाई ई को आप कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, बट वॉट अबाउट दिस माइनस टर्म, वॉट अबाउट दिस माइनस टर्म, ये प्रोपोर्शनैलिटी है. बोलिए क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी है? दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन है आपके पास. आपके आपको ये भी बोला है कि प्रोपोर्शनल है, ये भी बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, इसी का अंतर समझिए, दोनों का अंतर समझना पड़ेगा अभी आपको. समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डिफरेंस आया दोनों का? आया ना? Yes, sir. जब कोई चीज लीनियरली इंक्रीज कर, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, अगर कोई चीज लीनियरली इंक्रीज करता है ना तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज करना. तो इट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद दिस थिंग बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. आगे चलिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज दैट मच एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय दैट मच पोटेंशियल. तो अभी आपसे बोला गया है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, इट्स प्रीटी सिंपल अगेन द सेम थिंग. वर्क फंक्शन दिया है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट क्या हो गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया आपका ईवी, सॉरी 1.5 है, 1.5 ev हो गया काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू. फोटोन का एनर्जी को लेट अस से ई कह देते हैं, माइनस वर्क फंक्शन इज हाउ मच 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी कितना होना चाहिए, 2.5 प्लस 1.5 व्हिच इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. खत्म. समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हेलो, यस, क्लियर है? आगे चले. Silver has a work function of that much when ultraviolet light of wavelength that much is incident upon it. A potential of 7.7 volt is required to stop the electron from reaching that much. The potential required to stop the photon when the light of wavelength that much nanometer from silver. Again the same question. Should we do it or shall we leave it? Same thing है. एक wavelength के लिए stopping potential दिया हुआ है, दूसरे wavelength के लिए पूछ रहा है. Should we leave it? स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी कर्व इज, इक्वेशन लिखा हुआ था ना? हाँ लिखा हुआ है. ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है, यानी कि ये आपका इक्वेशन है, कर्व बनाना है. फ्रीक्वेंसी को उसने न्यू लिखा है, मैं एफ लिखता हूँ, एक ही बात है. तो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू एफ माइनस एच एफ नॉट बाई ई या वर्क फंक्शन बाई ई. ठीक है, तो y एक्सिस पे इसको डालना है, x एक्सिस पे इसको डालना है. तो इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम क्या हो गया, एच बाई ई, सी क्या हो गया, माइनस एच एफ नॉट बाई ई. स्लोप कितना हो गया, एच बाई ई, आया ना? क्या बोलते हैं? यस सर. क्लियर? ओके नेक्स्ट. फ्रेंड्स द ग्राफ ऑफ फोटो करंट आई वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज विल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन. चार पे जाकर आ रहा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ पे आ रहा है, ग्राफ देख रहे हैं 34 का. सर वो आपका बी होगा.
हाँ बस उसमें आपको यही देखना है कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो 4 वोल्ट है, इसलिए आपका ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. नेक्स्ट द ग्राफ बिटवीन एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट. तो एनर्जी यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ही समझिए इसको, के मैक्स. स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, नहीं लैम्डा के साथ है, सॉरी. आ जाइए. तो के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, इज दैट ओके? हाँ जी क्लियर है. तो क्या देख रहा है, एक तो डिक्रीज कर रहा है ये देख रहा है, यानी कि आपको एक ऑप्शन बी आप ऐसे हटा सकते हैं, ऑप्शन सी आप ऐसे ही हटा सकते हैं, इनफैक्ट ए भी हटा सकते हैं. आपको कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए जो कि इंक्रीजिंग हो. ए इंक्रीजिंग है, सी इंक्रीजिंग, बी स्ट्रेट लाइन है, इसलिए होगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लैम्डा डिनोमिनेटर में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना. हाँ जी मैं क्या बोल रहा हूँ, सो इनफैक्ट दिस ग्राफ इज समथिंग हाइपरबोला. y k के जगह y लेना है, लैम्डा के जगह x लेना है, तो k इज इक्वल टू सम कांस्टेंट y x माइनस phi, इज दैट ओके ना? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कैसा होना चाहिए, हाइपरबोलिक होना चाहिए, नॉट अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है मेरी बात, है ना? यस सर. हेलो, चलिए आगे चलते हैं. तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. डी दिल्ली या करेक्ट. इन द डायग्राम ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम एंड कैल्शियम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वर्क फंक्शन कंपेयर. चलिए हम लोगों ने अभी क्वेश्चन लिखा था, चलिए फिर से लिख लेते हैं. ई नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, सो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू एफ माइनस फाइव बाई ई. वाई वी नॉट को वाई एक्सिस पे रखना है, तो वाई इज इक्वल टू एम, एफ को एक्स एक्सिस पे रखना है, एम एक्स प्लस सी, इज दैट ओके? तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका वाई इंटरसेप्ट सी क्या है, फाइव बाई ई है. क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सबको पता, मैं कुछ एडवांस तो नहीं हो रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सबको ही पता है ना, y इक्वल टू अगर mx प्लस c है तो m स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है. तो कहने का मतलब हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे इसका तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, कहने का मतलब ग्राफ सा होगा. हालांकि आप मिलाना नहीं चाहते हैं अगर तो मत मिलाइए, बट डॉटेड लाइन से तो मिला ही सकते हैं. तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग c कहते हैं, और ये c कितना है, फाइव बाई ई के बराबर है, नेगेटिव है, फाइव बाई ई के बराबर है. तो अभी किसका वर्क फंक्शन ज्यादा, अगर मेरा वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हमारा वाई इंटरसेप्ट यानी कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. चलिए देखिए और बताइए किसका वाई इंटरसेप्ट ज्यादा है दोनों के ग्राफ में, के का ज्यादा होगा या सी ए का? के पहले वाई को टच करेगा कि सी ए? सी ए का ज्यादा है, सी ए का ज्यादा है, करेक्ट ना? यस सर. करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. हाँ जी जल्दी जल्दी जल्दी. ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल ग्राफ शोइंग द वेरिएशन बिटवीन कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट विद फ्रीक्वेंसी. अभी अभी किया था डिस्कस, यही तो है, हो गया क्लियर ना? वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. हाँ जी कौन सा होना चाहिए? 37 ऑप्शन डी. डी दिल्ली राइट? यस सर. नेक्स्ट, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 200 वॉट एमिट्स दैट मच फोटॉन्स पर सेकंड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट. हो जाएगा क्या? नहीं होगा, चलिए कर देते हैं, नया है थोड़ा सा. 200 वॉट का मतलब क्या समझ रहे हैं? 200 जूल पर सेकंड, यही समझ रहे हैं ना? 200 वॉट का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? 200 जूल
पर सेकेंड, इज दैट राइट? इज दैट राइट? हाँ जी, अभी क्या बोल रहा है? Yes. कि हमारे पास जो अभी बोल रहा है कि 4 to 10 raised to the power 20 फोन्स पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है? तो लेट अस से कि दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू वेवलेंथ पूछा है कि फ्रीक्वेंसी, क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछा है। तो एक फोटो के पास एच सी बार एन फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहा है, तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 200। डू यू गाइस एग्री? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉजिक समझ रहे हैं ना? क्लियर है मेरी बात? एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकल रहा है, एक फोटोन के पास एच सी बाय लैम्डा एनर्जी होता है, तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड कितना हो गया? 200 हुआ, आया ना? 200 हुआ, यस और नो? यस सर। तो बस काम खत्म है फिर। एन के जगह वैल्यू रखिए, एच सी का वैल्यू आप जानते ही हैं। एन कितना हो गया? 4 × 10⁻²⁰ इंटू एच सी के जगह अगर 1 to 4 00 रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्या मैं बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई लैमडा, बट 200 आपका जूल है, तो 200 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹। अब आप देख लीजिए आपके लिए क्या सुविधा बनता है, या तो आप एच सी को रखिए तो फिर आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, तब जूल में काम चल जाएगा, और नहीं एच सी को ये रखना चाहते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आया ना? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट मच एंगस्ट्रम फॉल्स ऑन द सेंसिटिव सरफेस, इफ द सरफेस हैज रिसीव्ड दैट मच जूल ऑफ एनर्जी, व्हाट द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो ठीक है ना, सेम क्वेश्चन हो गया। 5000 एंगस्ट्रम है, इससे 10⁻⁷ जूल तक जाना है, तो कितना एक क्रोन का एनर्जी एच सी बाई लैम्डा कितना हो गया मेरे भाई? 1 to 4 00 / 5000 एंगस्ट्रम। तो ये गया 5 × 2 = 20, 24 × 5 = 10, 24 × 5 = 40, तो 2.48 इलेक्ट्रॉन। गाइस इज दैट ओके? हाँ जी। अभी ये एक फोटोन का एनर्जी हो गया, आपको कितना एनर्जी देना है? 10⁻⁷ जूल। बोलिएगा लेट अस से, लेट अस मल्टीप्लाई दिस थिंग 2.48 बाय एन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आइए, 1.6 × 10⁻⁹ करते हुए एन आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आया ना? कैलकुलेट करेंगे एन आ जाएगा, आया ना? यस सर। आगे चलिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच वी इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ऑफ आइंस्टाइन, विच क्लासिकल लॉ इज फॉलोड? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलते हैं? ये जो हम लोग देख रहे हैं, बस हो गया। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट बिकॉज, चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव इज नॉट गिवन टू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, रादर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल, ठीक है? वेव डू नॉट हैव एनर्जी, नहीं भाई, वेव के पास एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ द वेव बिकम्स जीरो एज इट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, नो भाई। वेव डू नॉट हैव सफिशियंट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए, वेव क्या होता है? वेव होता है आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वेव की एनर्जी है तो वेव किसी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने नहीं जाएगा, वेव या तो देगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को देगा ही, या फिर किसी को नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि अगर लाइट वेव होता और वेव नेचर को मैनिफेस्ट करते हुए ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करता, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, फिर
या तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर आते और नहीं तो कोई नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी जी सर। यस सर। तो गाइस दैट वाज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फर्स्ट लेक्चर ऑन मॉडर्न फिजिक्स। सी यू सून। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड पढ़ पढ़ा करके आइए तो फिर डिस्कशन करने में भी अच्छा लगेगा। सर पहले से सर थोड़ा बता दो, मतलब वो दोनों चैप्टर है जहाँ पर अगर आप थोड़ा समझा कर पढ़ा दीजिएगा तो सर अच्छा होगा। सर एक है आपका एटम का, मतलब वो डीके, वो डीके वाला चैप्टर आप, आपके ऊपर है। इफ यू गाइस टेल मी टू डू द थ्योरी पार्ट आई एम हैप्पी टू डू, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट उस केस में फिर ये निकल के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो अब आप सोच लीजिए आपके न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है। दोनों चैप्टर है उसमें अगर थोड़ा आप टाइम देकर पढ़ा दीजिएगा तो सर अच्छा होता। एक है आपका आई डोंट हैव टाइम ना, दैट इज दैट ओके सी आई हैव गॉट लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स एक्चुअली। सो द थिंग इज कि अगर मैं कन्वेंशनली जाऊं, मैं आपको पहले थ्योरी बताऊं फिर उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल करवाऊं फिर मॉड्यूल डिस्कस करूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो फिर ऐसा होगा कि हाँ मैं मॉड्यूल में कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स करके चला जाऊं, इज अप टू यू। थ्योरी डिस्कस करूंगा, मॉड्यूल के कुछ सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स मैं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, इफ दैट इज ओके। हैप्पी सर। वो प्रॉब्लम ये होता कि सर होता नहीं है डीके वाला, तो सर क्या करना चाहिए सर वो थोड़ा बता देंगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक आपका वो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर और एक आपका डीके वाला। वो तो न्यूमेरिकल करने से ही सीखिएगा ना, थ्योरी तो आप 50 बार पढ़ चुके हैं, क्यों नहीं सीखे? न्यूमेरिकल डिस्कशन नहीं किया है, सीखे अभी के बाद। अभी आप जा करके अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी सवाल खोलते हैं, एटलीस्ट आपके पास एक ओवरव्यू होगा, आपके पास एक आइडिया होगा कि एक्चुअली करना क्या, अप्रोच क्या करना है। आया ना? जी सर। बस वही बात है। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। कितने बचे हुए हैं? एक सेकंड मैं थोड़ा देख लेता हूं। एक दो तीन चार पांच बचा हुआ है। बहुत बढ़िया।